बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण किया। विधानसभा के बिल्कुल पास में बने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लोकार्पण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री शांति धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट देखिएगा। 22 सितंबर 2023 का दिन राजस्थान के संसदीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। राजस्थान दिल्ली के बाद देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस भव्य और शानदार क्लब का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम गहलोत समेत सभी मेहमानों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निरीक्षण किया और इसके शानदार निर्माण पर खुशी जताई। सीएम गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड के पूर्व कमिश्नर पवन अरोड़ा से क्लब के बारे में पूरी जानकारी ली। पवन अरोड़ा ने भी क्लब में विकसित सभी सुविधाओं की सीएम को विस्तार से जानकारी दी। लोकार्पण समारोह में संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि जयपुर में भव्य कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनकर तैयार हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनने से पक्ष और विपक्ष के संबंध और अच्छे होंगे। अगर कोई एमएलए एमपी नहीं बन पाता है तो वे लोग भी यहां आकर अपनों के बीच बैठ सकते हैं। इस मौके पर सीएम गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड के पूर्व कमिश्नर पवन अरोड़ा को बधाई देते हुए कहा कि पवन अरोड़ा बधाई के पात्र हैं। पिछली सरकार में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड पर ताले लगाने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार में हाउसिंग बोर्ड ने बहुत शानदार काम किया है। सभी विधायकों को फ्लैट उपलब्ध कराए हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी बन गया है। धारीवाल जी ने पवन अरोड़ा की तारीफ सही की है। उनके वक्त में क्लब के काम की शुरुआत हुई और क्वालिटी के साथ बहुत अच्छा काम भी हो गया है। सीएम ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के निर्माण के लिए स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को भी श्रेय दिया। उन्होंने कहा, बिना डॉक्टर सीपी जोशी की इच्छा शक्ति के विधायकों से आवास खाली करना संभव नहीं था। इस मौके पर सीएम ने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का भी जिक्र किया। तो बैठे हैं, ये तो बधाई के पात्र नहीं है क्योंकि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ताले लग रही थी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड रोडवेज बंद कर दो के नारे लगते थे उसमें। पिछली गवर्नमेंट वक्त में हमारी गवर्नमेंट आई, हमने रोडवेज चलाई है और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जो काम है आप देख लो, सब विधायकों को फ्लैट मिल गए। बजट घोषणा करना एक बात है, लागू करने में कई अड़चन आती है। अभी सिविल जोशी कह रहे थे कि 1 लाख रुपए के लिए मुझे फाइल भेजनी पड़ती है विधानसभा के सरकार के पास में, तो ये तो बड़े बड़े काम थे। तो आप सोच सकते हो कि जो अगर ये बीड़ा नहीं उठाते तो ना तो आपके वो जालूपुरा खाली होता, गुलाब कटाए जाएगी हाथ था उसके अंदर सहयोग करने में। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने क्लब के निर्माण का श्रेय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से क्लब के लिए वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित करने के चलते ही इस क्लब का निर्माण हुआ है। क्लब के शानदार निर्माण के लिए स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने हाउसिंग बोर्ड की पूरी टीम और तत्कालीन कमिश्नर पवन अरोड़ा को भी धन्यवाद दिया। जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का कॉन्सेप्ट राजस्थान में नए रूप में हम रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने वाले विधायकों को सभी तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ये क्लब पूर्व विधायकों के लिए भी बहुत उपयोगी रहेगा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि ये योजना देश की पहली और अनूठी योजना है। इसकी शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और मुख्यमंत्री की आपसी चर्चा से हुई थी कि एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जिसमें नए और पुराने सभी साथी बैठकर साथ साथ अपने अनुभवों को साझा करें। धारीवाल ने कहा कि मुझे राजनीति में 50 से ज्यादा साल हो गए, लेकिन मैंने अशोक गहलोत जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं देखा। उन्होंने सदैव संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा की है। मंत्री धारीवाल ने तत्कालीन हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने फौरन हाँ भरते हुए इस काम को तत्काल शुरू कराया। 1 महीने से कम समय में इस क्लब का नक्शा तैयार हो गया और काम शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी अपने संबोधन में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह का क्लब बनने से विधायकों का हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के कार्यकाल में कई रिकॉर्ड बने हैं, चाहे सबसे अधिक प्रश्नकाल चलने का रिकॉर्ड हो या विधानसभा में कई तरह के बड़े कार्यक्रम आयोजित करना हो। पहली बार विधानसभा की कार्यवाही YouTube के माध्यम से प्रदेश के लोगों को भी दिखाई गई। विधानसभा की कार्यवाही है, उनका जो डेज नंबर ऑफ डेज है बहुत कम, एक्सेप्ट दी केरला। अब जो बाकी समय है उस समय में हम कमेटी की जो हमारी फंक्शनिंग है
उस कमेटी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये क्लब एक ऐसी जगह बनने चाहिए जहाँ पर हम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को बुला सकें, अपने नॉलेज को एनरिच कर सकें और कमिटीज के माध्यम से हम कैसे उन सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकें, ये काम करना बहुत जरूरी है। मैं प्रशंसा करूँगा तत्कालीन कमिश्नर आवासन मंडल पवन अरोड़ा जी की, तो उन्होंने फौरन हाँ भर के इस काम को फटाफट चालू किया। एक महीना भी नहीं लगा और इसका नक्शा बन गया और अप्रूव हो गया, और अप्रूव होने के बाद में इसका काम शुरू हो गया। जयपुर में ये दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में एक क्लब माननीय विधायकों के लिए होना चाहिए, वो जो सपना था वो साकार होने लगा और साकार हो गया। 15वीं विधानसभा का ये लम्हा दो कारणों से यादगार लम्हा बनता जा रहा है। एक तो आज राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का शुभारंभ हो रहा है। बरसों से जब कभी भी दिल्ली के प्रवास पर जाया करते थे, मन में एक बात उठा करती थी, क्या कभी ये संभव होगा कि हमारे राजस्थान में भी कोई ऐसा मंच मिलेगा, कोई ऐसा क्लब होगा जहां पक्ष विपक्ष नए और पुराने मान्य सदस्य विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय आपको और मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है, क्योंकि राजस्थान दिल्ली के बाद देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां हाउसिंग बोर्ड की ओर से सभी अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त क्लब बनाया गया है। क्लब की सुविधाएं यहां आने वाले विधायक, पूर्व विधायक और सभी मेहमानों को काफी रास आएंगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।